ये कहानी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक ह्यूमनॉइड की है। अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए कैसे वो इंसानों का अपहरण करती है, कैसे निकोलस जिसका उन ह्यूमनॉइड के हाथों अपहरण हुआ था उनके जाल से बचता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। प्रेजेंटिंग द मूवी एवोल्यूशन। निकोलस एक यंग लड़का था जो कि समंदर के किनारे अपनी माँ के साथ रहता था। वो काफी समय से बीमार था। एक दिन समंदर में स्विमिंग करने के दौरान उसको एक चीज नजर आई जिस पर स्टारफिश भी चिपकी हुई थी। उसका ख्याल था कि वो कोई डेड बॉडी थी। निकोलस तुरंत ही घर की ओर गया ताकि वो इस बारे में अपनी माँ को बता सके। उसकी माँ तुरंत ही उस जगह जाती है और स्टारफिश को ले आती है। माँ ने निकोलस को बताया कि वहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं थी। घर पर निकोलस को शाम के भोजन के लिए स्लिमी मील्स दिए जाते हैं। इसके बाद निकोलस की माँ उसको मेडिसिन देती है। निकोलस अपनी माँ से पूछता था कि उसको कौन सी बीमारी है, जिस पर उसकी माँ उसको कहती है कि उस जसीरे पर जितने भी लड़के थे उनको इस ट्रीटमेंट की जरूरत थी, क्योंकि जैसे जैसे वो सभी लड़के बड़े होते जाते उनका शरीर कमजोर होने लगता था। उस रात उस जसीरे की सभी महिलाएं एक जगह जमा होती हैं। वो सभी शोर लाइन की ओर जाती हैं। फिर निकोलस की माँ उस डेड बॉडी को बाहर निकाल लेती है जिसको निकोलस ने देखा था। बाकी महिलाएं डेड बॉडी की इर्द गिर्द खड़ी हो जाती हैं। अगले दिन निकोलस उस स्टारफिश के साथ खेलने लग गया था। उसका एक दोस्त उसको छोड़ता है और कहता है कि निकोलस को स्टारफिश से डर लग रहा था। ये सुनकर निकोलस को गुस्सा आ जाता है। उसने उस लड़के पर अटैक कर दिया। बाद में उसने स्टारफिश का एक बाजू तोड़ दिया। अपने इस बर्ताव के बाद उसकी माँ उसको हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ पर उसका नॉर्मल चेकअप हुआ। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसके पेट में एक पीले रंग का इंजेक्शन लगाता है। इसके बाद डॉक्टर ने निकोलस को एक रात हॉस्पिटल में बिताने के लिए बोला। निकोलस ने देखा कि जिस वार्ड में उसको रखा गया था वहाँ पर और भी लड़के थे, उनका भी इसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ था। सभी ने पूछना शुरू कर दिया कि उनको कौन सी बीमारी थी। रात में हमें नर्सेस दिखाई देती हैं जो कि सिजेरियन सेक्शन के प्रोसीजर वाली वीडियोस देख रही थी। अगले दिन निकोलस को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसने अपनी माँ और उन नर्सेस पर नजर रखना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने उससे झूठ बोला था। वो अपने दोस्त विक्टर के घर गया। दोनों ने चुपके से रात के समय देखना चाहा कि उनकी माताएं क्या कर रही हैं। मगर रास्ते में विक्टर डर गया और वापस भाग गया। सच को जानने के लिए निकोलस ने अपने सफर को जारी रखा। जब वो उस जगह पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसने सभी महिलाओं को एक साथ लेटे हुए देखा। वो सभी बिना कपड़ों के थी। सभी महिलाओं ने अपने आप को मिट्टी में लपेटा हुआ था। वो एक चीज को एक दूसरे को पास कर रही थी। निकोलस तुरंत ही घर वापस भाग गया। घर में कुछ घंटों के बाद उसने अपनी माँ को चुपके से देखा जो अपनी स्किन से मिट्टी को उतार रही थी। उसकी बैक पर सकर्स के निशान थे। फिर हॉस्पिटल में निकोलस का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। वहाँ पर सबने फीटस की हार्ट बीट की आवाज सुनी। इसके बाद निकोलस को एक दिन के लिए दोबारा हॉस्पिटल में रहने के लिए बोला जाता है ताकि उसकी फाइनल सर्जरी हो सके। उस रूम में निकोलस दूसरे बच्चों से भी मिलता है। उसमें से एक उसका बेस्ट फ्रेंड विक्टर भी शामिल था। उस रात विक्टर का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मखलूफ को उसके पेट में से निकाला गया और जार में बंद कर दिया। ऑपरेशन के बीच विक्टर की डेथ हो गई। अगली सुबह निकोलस ने नर्स से विक्टर के बारे में पूछा। नर्स झूठ बोलती है कि विक्टर ठीक हो रहा था। एक नर्स एक कॉन्च शेल वार्ड में ले आई। उस नर्स ने कहा कि वो शेल विक्टर ने भेजा था। निकोलस की माँ उसको देखने हॉस्पिटल में आई। वो उसके लिए खाना लेकर आई थी। निकोलस ने वो खाना खाने से इनकार कर दिया जो उसकी माँ उसको खिलाती थी। अपसेट होकर उसकी माँ ने निकोलस की स्केचबुक को देखना शुरू कर दिया। तभी निकोलस बोला कि वो उसकी माँ नहीं थी। उसी समय उन्होंने निकोलस को खामोश कर दिया और उसकी ड्राइंग बुक को वहाँ से ले गई। निकोलस ने हॉस्पिटल में एक स्टेला नाम की नर्स से फ्रेंडशिप कर ली थी। ऐसा लगता था कि वो भी निकोलस को पसंद करती थी। स्टेला भी निकोलस के साथ ड्राइंग किया करती थी। निकोलस की ड्राइंग में एक डेड बॉडी होती है, एक स्टारफिश, एक बाइसाइकिल, कार बिल्डिंग और जिराफ होते हैं। फिर स्टेला ने निकोलस को एक सीक्रेट बताया। उसने निकोलस को एक फाइल दिखाई जिसमें कई महिलाओं की तस्वीरें थी। उन तस्वीरों में उन महिलाओं के सकर भी दिख रहे थे। उन तस्वीरों में एक यंग लड़की भी थी। उस रात स्टेला निकोलस को समंदर के किनारे ले गई जहां उसने निकोलस को अपनी बैक पर सकर्स के निशान दिखाए। उसने निकोलस को पानी में ले जाने से पहले उसको हाथ लगाने के लिए बोला। पानी में बहुत देर तक रहने तक निकोलस मरने के करीब हो गया था। स्टेला ने तुरंत ही उसकी CPR की ताकि उसकी जान बचाया जा सके। निकोलस वापस हॉस्पिटल चला गया। रात को उसे एक नए रूम का पता चला जहां उसे एक लड़का मिला। जब निकोलस उस लड़के के पास पहुंचा तो उस लड़के ने निकोलस के हाथ अपने पेट पर रख दिए। निकोलस ने उस लड़के के पेट में मूवमेंट फील की। उस लड़के ने निकोलस को फोर्स किया कि वो उसके पेट को दबाए। ऐसा करने पर वो लड़के ने वॉमिट करना शुरू कर दिया। निकोलस डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और एक दूसरे के रूम में घुस गया। उस रूम में उसने एक लड़के को पानी में तैरते हुए देखा। इसके कुछ देर बाद ही एक नर्स ने उसको पकड़ लिया। निकोलस को फाइनल सर्जरी के लिए ले जाया गया। सर्जरी के बाद जब निकोलस की आँख खुली तो उसने अपने आप को एक टैंक में पाया। उसको बांधा गया था। उसके साथ दो नन्हे बेबीज भी थे उस टैंक में। ये देख कर वो शॉक सा हो गया। उसका रंग भी उड़ गया था। अब की बार जब निकोलस की आँखें खुली तो उसने अपने आप को समंदर
समंदर के किनारे उसी नर्स स्टेला के साथ देखा। वो दोबारा पानी में उतर गए, मगर इस बार निकोलास के साथ स्विमिंग करते समय उसने अपना मुंह निकोलास के मुंह के साथ लगाए रखा ताकि निकोलास को सांस मिलती रहे। वो निकोलास को किनारे पर ले गई। दोनों एक छोटी रॉ बोट में आइलैंड से दूर चले गए। इस बात को देख कर कि निकोलास के पास पीने का काफी पानी था, स्टेला एक बार फिर समुंदर के किनारे कूद गई ताकि दोबारा आइलैंड वापस जा सके। निकोलास बोट में ही रहा। रात होने तक वो किसी बड़ी सिटी के हार्बर तक पहुंच गया था। यहां पर मूवी का अंत हो जाता है। अब एक्सप्लेनेशन की बात करें तो स्टोरी में हम किसी समुंदर किनारे एक ह्यूमनॉइड्स का ग्रुप देखते हैं जो कि एक साथ रहती है। इस जगह पर जैसे ही आप देख सकते हैं सिर्फ यंग लड़के और एडल्ट महिलाएं रहती थी। इस जगह पर कोई यंग लड़की या फिर एडल्ट नहीं रह सकता था। जैसा कि बाद में मूवी में दिखाया गया कि फीमेल महिलाओं की बैक पर सकर्स दिखाए गए थे, जिसका मतलब था कि वो पानी में रहने वाली ह्यूमनॉइड्स थी। वो पानी में भी सांस ले सकती थी। ये ह्यूमनॉइड स्टार फिश की इवोल्यूशन का नतीजा थी। मेल एडल्ट के ना होने के कारण ह्यूमनॉइड्स को अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए एक एक्सटर्नल जायगोट बनाना पड़ता था, जिसको यंग लड़के के पेट में रखा जाता। वो सभी लड़के एक हद तक ही फीटस को अपने पेट में होस्ट कर सकते थे। इसके बाद उनकी सर्जरी करना पड़ता था ताकि उन फीटस को निकाल कर एक्सटर्नली ग्रो करवाया जा सके। कभी कभी अगर लड़के की बॉडी सर्वाइव कर सकती तो उसको एक पानी के टैंक में डाल दिया जाता, जहाँ से वो फीटस बॉडी के साथ कनेक्टेड रहता और ग्रो करता रहता। मूवी में दिखाया जाता है कि निकोलास को रोजाना मेडिसिन दी जाती थी ताकि उसकी बॉडी को फीटस को होस्ट करने के लिए तैयार किया जा सके। समय आने पर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया और जायगोट को उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। सभी लड़कों को इसी प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। यहाँ पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि उन सभी लड़कों को सिटीज से अपहरण करके लाया जा रहा था। मूवी में हम देख सकते हैं कि निकोलास ना सिर्फ डेड बॉडीज बनाया करता था बल्कि बाइसाइकिल कार बिल्डिंग और जिराफ भी बनाया करता था। ये सभी चीजें किसी विलेज में तो नहीं नजर आती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि निकोलास ये सभी चीजें अपनी मेमोरी की मदद से बनाया करता था। इसका मतलब था कि उसका भी अपहरण किया गया था जब वो एक बच्चा था। इस कारण उसको नहीं मालूम था कि वो कहां का रहने वाला था। मूवी के शुरू में हमने देखा कि निकोलास को एक डेड बॉडी नजर आई। इसका मतलब था कि वो लड़का भागने की कोशिश में मारा गया था। उन सभी महिलाओं ने उनकी डेथ को एक सीक्रेट रखने का फैसला किया। मूवी में हम मिट्टी में लिपटी हुई महिलाओं को एक दूसरे के साथ लेटा हुआ भी देखते हैं, जो कि एक दूसरे को कोई चीज पास कर रही थी। ये उनका कोई रिचुअल था बर्थ रिप्रोडक्शन करने के लिए। अगर वहाँ पर कोई बेबी पैदा होता तो वो महिलाएं खुशी से पागल हो जाती। फिर वो जायगोट जनरेट करती और उनको यंग लड़कों के अंदर रख देती उनको प्रेग्नेंट करने के लिए। दूसरी ओर हम ह्यूमनॉइड्स को सिसेरियन ऑपरेशन की वीडियोस देखते हुए देखते हैं। ह्यूमनॉइड सीखा करती थी कि पेट से फीटस को कैसे काटा जाए ताकि बिना किसी दुश्वारी के फीटस को पेट में से बाहर निकाला जा सके। वो ह्यूमनॉइड अक्सर ही गलत ऑपरेशन करने के कारण होस्ट लड़के को मार देती थी। विक्टर के साथ भी यही कुछ हुआ था। वो ऑपरेशन के तुरंत बाद ही मर गया था, मगर कभी कभी वो सफलता से फीटस को काट लेती थी और इसके बाद होस्ट लड़के को इंक्यूबेशन टैंक में डाल देती थी। निकोलास के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था क्योंकि उसका ऑपरेशन सफल हो गया था। मूवी के अंत में स्टेला, जो दिल से निकोलास को प्यार करती थी, निकोलास को बचाने का फैसला करती है। वो चुपके से निकोलास को बोट में बैठाकर वहां से भगा देती है। शायद यही एक तरीका था जिसकी मदद से ह्यूमनॉइड्स बच्चों का अपहरण किया करती थी। रात होने पर निकोलास ने महसूस किया कि जैसे वो किसी सिटी के किनारे पर पहुंच गया था। हम अस्यूम कर सकते हैं कि उसके असली माता पिता ने उसको रेस्क्यू कर लिया होगा। ये इस मूवी के बारे में मेरी एक्सप्लेनेशन है। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे रिश्ता प्यारा होता है।